अगर एक एमएलए को एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी। और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। हनुमान चालीसा के पाठ पर ऐसे सियासी लड़ाई आपने इससे पहले शायद ही देखी हो। तस्वीरें महाराष्ट्र की है, जहां हनुमान चालीसा के पाठ से ज्यादा लड़ाई है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच। जिसके बाद शिवसैनिक नवनीत राणा के घर के बाहर पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। और अब पूरे बवाल की वजह हम आपको बताते हैं। नवनीत राणा ने चैलेंज दिया मुख्यमंत्री आवास मातोश्री के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का और कहा कि शिवसेना रोक कर दिखाए। इस चैलेंज के बाद नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिक पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। हालात ऐसे बिगड़े कि नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे वक्त दिया था, लेकिन शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस हंगामे के बीच में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा की थी। नोटिस के बावजूद नवनीत राणा हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ी है और वीडियो भी जारी किया है। एक ओर नवनीत राणा मातोश्री जाने पर अड़ी है तो दूसरी ओर शिव सैनिक उनके घर के बाहर खड़े हैं। कल से जो शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक है और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए ऐसे सैनिक है, जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7:30 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? क्या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी, उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरे डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है,
पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में सियासत तेज है। नवनीत राणा के बारे में आज हम आपको बताते हैं। नवनीत राणा राजनीति से पहले मॉडलिंग कर चुकी है, कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी फिल्मों में नवनीत राणा ने काम किया। 2019 में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। नवनीत राणा के पति निर्दलीय विधायक है। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात स्वामी रामदेव के आश्रम में हुई थी। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस सेरेमनी में करीब 3200 जोड़ों ने शादी रचाई थी। ये पहली बार था जब किसी अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह में शादी की थी। साल 2014 में नवनीत ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के टिकट से अमरावती से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद साल 2019 में एनसीपी की ओर से उन्हें फिर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अमरावती से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। नवनीत राणा महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा बन चुकी है और इस वक्त नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखा जाए तो नवनीत राणा के इस चैलेंज के बाद शिवसैनिकों में हड़कंप है और शिवसैनिकों ने नवनीत राणा के पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है।